नमस्कार, रागिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं बेहद प्रतिष्ठित गुंदेचा परिवार के सदस्यों से। ध्रुपद का जब भी नाम लिया जाता है, ध्रुपद गायकी का जब भी नाम लिया जाता है, बहुत ही इज्जत और बहुत ही प्यार से नाम लिया जाता है गुंदेचा परिवार का। बहुत ही मजबूत सशक्त नाम है ये। और हमारे साथ हैं उमाकांत जी और स्वर्गीय रमाकांत जी के बेटे अनंत जी। ये दुर्भाग्य है संगीत रसिकों का कि कुछ वर्ष पहले रमाकांत जी का निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद जोड़ी जो बनी वो उमाकांत जी के साथ उनके भतीजे अब गाते हैं। तो पहले तो बहुत ही विनम्रता से आप दोनों लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पंडित जी, मेरी ये इंटरव्यू जब से शुरू हुआ है तब से एक प्रश्न हर इंटरव्यू में मैंने जरूर पूछा है, और दरअसल वो प्रश्न इसलिए पूछता हूं मैं कि उस प्रश्न के बहाने जो जवाब आए उससे इस देश के जो बच्चे हैं उनको समझ में आए कि बचपना कैसा होता है बड़े कलाकारों का। तो आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अपना जो बचपन के गलियारे आपको याद आते हो, बचपन की जो यादें याद आती हो वो हमसे साझा कीजिए। बचपन का तो बहुत ही अच्छी अच्छी यादें हैं, बहुत क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि गोल्डन मेमोरीज हैं बचपन की। तो और हर व्यक्ति का बचपन जो है वो गोल्डन मेमोरी से भरा होता है, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। हमारा बचपन उज्जैन में बीता, उज्जैन में हम पैदा हुए, वहीं हमारी परवरिश हुई, हम बड़े हुए, हमारी एजुकेशन, हमारा कॉलेज वॉलेज सब उज्जैन में हुआ। तो उज्जैन हमारी जन्मभूमि है और वहाँ एक से एक यादें हैं। मैं आपको बताऊं तो शायद इसी में पूरा समय निकल जाएगा। हम जब थोड़े से बड़े हुए और दोनों भाई साथ में गाते थे, गाने का यही जैसे फिल्मी गाना है या भजन है या इसी तरीके से घर में बच्चे बच्चे लोग गाते हैं, वही वैसा ही हम लोग भी गाते थे। तो पिताजी ने सोचा कि इनका गाना अच्छा हो थोड़ा सा, तो इसके लिए शास्त्रीय संगीत इनको सिखवाना चाहिए। तो फिर हम लोगों को शास्त्रीय संगीत के लिए जो माधव संगीत महाविद्यालय है वहाँ हम लोगों को उन्होंने भर्ती कर दिया। लेकिन ये जो हमारा संस्कार है, ये जो हमारे हमारी अपनी जो परंपरागत जो संस्कार हमको मिले वो तो हमारे उस्ताद से मिले हैं, लेकिन जो बचपन में जो हमने देखा और सुना उसका हम पर बहुत गहरा प्रभाव है। और वो गहरा प्रभाव इस तरीके से है कि कैसा भी कार्यक्रम हो, चाहे नाटक हो, चाहे किसी का कविता पाठ हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, तो वो सब जो है वो हमारे पिताजी हमको सुनाने के लिए ले जाते थे। वहां पर एक बहुत ही फेमस, हर वर्ष आज भी कालिदास समारोह होता है जो दीपावली के 11वें दिन से शुरू होता है। तो सारे जितने भी नाटक होते थे उस समय तो संस्कृत में ज्यादा होते थे, तो वो दिखाने के लिए ले जाना। तो ये एक ऐसा पिताजी की ओर से हमको, मैं सोचता हूँ, बहुत बड़ी देन कि उनको संगीत से प्यार था, उनको शास्त्रीय कलाओं से प्यार था, किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज में हमको ले जाते थे। और वो हमारे ऊपर उनका बचपन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सब जो है बचपन में जो हमने देखा सुना वो आज हमारे काम में आ रहा है, सुनहरा होता है। दूसरा, उज्जैन में छोटे छोटे संगीत की बैठकें, नारायण जी, पंडित प्रमोद त्री, पंडित रमाकांत जी दुबे, जिनसे हमारी प्रारंभिक तालीम हुई उज्जैन में, तो ये छोटी छोटी जो बैठकें वहां पर होती थी शास्त्रीय संगीत की, उसमें हमारा जाना होता था। और एज ए क्या कहेंगे, बच्चों के रूप में हमारा या छात्र के रूप में हमारा उसमें छोटा छोटा प्रदर्शन होता था। तो वहां जो हमको प्रोत्साहन मिलता वो आज भी हमको आह्लादित करता है, क्योंकि ये जो यानी बचपन एनकरेजमेंट मिलता है किसी भी चीज से, वो मुझे लगता है कि वो एनकरेजमेंट आज किसी भी पुरस्कार से बड़ा है। तो ये
ऐसी छोटी छोटी यादें वहां पर उज्जैन की हैं जो हमको आज भी जब हम सोचते हैं तो रोमांच हो जाता है, आह्लादित हो जाते हैं हम लोग। पंडित जी, बचपन की बातें चल रही हैं और हमारी पीढ़ी जिन कलाकारों को, यानी भाई, जो दो भाइयों की जोड़ी के तौर पर, राजन साजन जी हो गए, आप हो गए, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब हो गए, और इन सब ने बचपन में शैतानियां भी की हैं, तो आपने अपनी शैतानी वाला हिस्सा तो बताया ही नहीं। देखिए, बचपन का अगर शैतानी नहीं हो तो फिर बचपन कैसा। बिल्कुल, तो वो तो बहुत लाजमी है वो। मतलब बचपन तो शैतानियों से ही भरा होता है। शैतानियां हम लोगों ने भी की है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जब हमको कोई पिक्चर देखना होती थी और घर से हर बार तो आप पिक्चर के लिए हाँ नहीं करवा सकते, लेकिन पिक्चर देखने का शौक था, अपने पसंदीदा कलाकारों की पिक्चर आई है तो देखना ही है। तो होता यह था कि शाम का वही समय एग्जैक्ट संगीत विद्यालय का भी होता था, तो हम कहते थे कि हम संगीत विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन हम जाके थिएटर में बैठ जाते थे और पिक्चर देख के, और कभी लेट भी हो गए तो कहते थे अरे आज वहां थोड़ी बातचीत हो, क्लास थोड़ी ज्यादा खींच गई और बातचीत हो गई और खड़े हुए थे वहां पर, ये करके कुछ तो भी बहाना बना करके ये। लेकिन माँ हमारी पहचान जाती थी। माँ, अच्छा माँ कैसे पहचानती, ये भी आपको बड़ा बड़ा ताज्जुब मैं बताता हूँ कि क्या होता, थिएटर में सिगरेट विगरेट पीते थे लोग, बीड़ी पीते थे, तो हमारे शरीर के कपड़े से उनको सुगंध आते आ जाती थी कि ये, अच्छा उनको मालूम है कि बीड़ी सिगरेट तो पीते नहीं है, तो वो बोलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन फिर अगर दो तीन दिन बाद बातचीत में फिर वो बता देती थी कि बेटा तुमने उस दिन झूठ बोला, तुम गए थे कहीं और तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे कपड़ों से जो है बीड़ी सिगरेट की वास आ रही है, तो तुम तो पीते नहीं हो, तो तुम ऐसी जगह पर गए थे जहां ये सब हो रहा था, तो बताओ सही सही कहां गए थे। तो हम फिर बोलते कि नहीं, हम उस दिन पिक्चर गए थे। तो फिर माँ को बताते, पिताजी तो हमारे बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे, बड़े गुस्सेल थे, तो उनके सामने तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा पंडित जी, एक चीज और, इस इंटरव्यू के बहाने हमको मौका मिलता है कि हम आपसे आपके गुरुओं के बारे में जानें और उनको याद भी करें आज, तो ये सवाल मेरा आपसे भी है और ये सवाल मेरा आनंद से भी है। आप दोनों लोग अपने अपने गुरुओं के बारे में बताइए, उनकी यादें हमसे साझा कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं है तो हम भी नहीं है, और हम नहीं है तो अनंत और हमारे आगे की पीढ़ी भी नहीं है। तो ये तो गुरु का जो स्थान है वो इसी सेंटेंस में आप समझ जाइए कि लाइफ ही कुछ नहीं है। गुंदेचा बंधु, अगर उनके गुरु को उनकी जिंदगी में से निकाल दिया जाए तो गुंदेचा बंधु जीरो है, गुंदेचा फैमिली जीरो है, क्योंकि जो कुछ भी पहचान है वो ध्रुपद से, और ध्रुपद की तालीम हमको हमारे उस्ताद से मिली। जब हम 1981 में उस्ताद के पास आए ध्रुपद सीखने के लिए उज्जैन से यहां भोपाल, तो हमको बिल्कुल भी कोई ऐसी, यानी हमको किस स्थितियों से गुजरना पड़ेगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। भाई ध्रुपद सीखना बस ये एक जुनून था कि हाँ भाई हमें ध्रुपद सीखना है, और हमको स्कॉलरशिप मिली थी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, तो हम बड़े खुश थे कि चलो अपने को घर से खर्चा नहीं लगेगा और अपन अपने पैरों पे ही खड़े होकर के और ये करेंगे। तो हम जब भोपाल आए तो जब हमारी तालीम शुरू हुई, तो जब तालीम शुरू हुई तो बहुत दिनों तक, महीनों तक हमारे सिर्फ पलटे चले। अब पलटे चले तो हमको ये लगे कि यार ये कब तक, सारे गमों पर देने से सने धबो मगर ऐसा। और उस्ताद एक ऐसी चीज होता है कि आप उनसे ज्यादा प्रश्न कर नहीं सकते। उन्होंने कहा ये करो तो करो, बस ज्यादा पूछने का नहीं, बात करने का नहीं, और आपने अगर पूछा तो अलावा डांट के और कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग बस रियाज करते,
उसके बीच में मैं ये सुनने वालों को ये भी बता दूं कि देखिए, जब ये साधना का समय होता है, रियाज, जब आप किसी अच्छे गुरु के अंडर में जब आप रियाज करते हैं, बोरिंग भी होता है आपको, मोनोटोनस लाइफ होती है कि बस दिन रात लाइफ में आपको बस वही संगीत ही करना है, सुबह शाम आपको रियाज करना है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, लेकिन इन सब से पार पाते हुए आपको वो काम करते रहना है, तभी वो नैया आपकी उस पार जाती है, और नहीं तो बीच में डूबना पर पक्का है। तो ये हमारे उस्ताद के साथ भी ये कि उन्होंने बस जो कह दिया तो आपको करना है, कुछ पूछना नहीं, तो देखिए वो आज काम आ रहा है। और उस चीज का रिजल्ट उस समय तो हमको नहीं दिखता था, लेकिन उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद हमको वो जो उन्होंने करवाया उसका रिजल्ट हमको उसके बाद देखने को मिला, तो हमने तब रियलाइज किया, यानी कब जो चीज हमने की उसके 10 साल बाद हमको उसका रियलाइजेशन हुआ कि अरे यार उस्ताद ने ये करवाया तो देखो आज उसका ये फायदा है, उस्ताद ने ये बात कही थी देखो अपन ने इसको किया तो आज इसका ये फायदा है। ये उस्ताद लोग ही जानते हैं कि बेटा ये करेगा तो इसका इसका आगे जा करके इसको ये फायदा होगा, लेकिन वो कहते नहीं, वो कहते बस आपका काम है करने का, आपको बोल दिया करिए तो करिए। तो ये हमारा अनुभव उस्ताद के साथ रहा। बहुत सारे अच्छे अनुभव, मतलब अच्छे अनुभव का मतलब ये होता है कि एक उस्ताद हमेशा उस्ताद नहीं होता है ना, एक एक क्योंकि हमेशा उस्ताद रहेगा और हमेशा मैं चेला रहूंगा तो एक बोरिंग संबंध स्थापित हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। एक उस्ताद उस्ताद कब कब है, जब वो सिखा रहे हैं, इसके बाद वो पिता का भी रोल निभाते हैं, इसके बाद वो मित्र का भी रोल निभाते हैं, दोस्त के रूप में भी वो बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होती है, चुटकुलेबाजी होती है, घूमना फिरना होता है और हंसी ठहाके होते हैं, ये सब भी होता है। तो उस्ताद के सारे रंग हमको देखने को मिले, यानी कभी बैठे हैं तो हंसी मजाक हो रही है, कभी पुराने पुरानी किस्से कहानियां हो रही है, चुटकुलेबाजी हो रही है, लेकिन सिखाते वक्त तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके बस वो जान ही नहीं निकालेंगे, इतने स्ट्रिक्ट होते थे, और जरा सा कुछ छोटे उस्ताद तो थोड़ा हमारे वो कुछ गाली वाली भी बकते थे, बड़े उस्ताद ने तो कभी गाली नहीं दिया, लेकिन छोटे उस्ताद तो माहिर थे गाली देने में भी, तो वो सीधा ही जो है आपके पुरखों को याद करते हुए आपको तुरंत जो है डांट लगाते थे, तो अनंत आप कैसे याद करेंगे अच्छी, अपना? लेकिन 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 वो सब डांट, वो प्यार, वो दुलार, वो रियाज, वो सब जो है वो हमारी जिंदगी को बनाने का एक तरीका है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल जिंदगी को गढ़ रहे थे, उसका वो एक एक सिस्टम था जो वो हमारे साथ उन्होंने यूज किया, या हर गुरु अपने शिष्य के साथ करता है, तो वो सब हमारे जिंदगी में अच्छाई के लिए ही काम आया। और हम तो कहते हैं कि अगर उस्ताद नहीं होते तो हम भी नहीं होते, जैसा मैंने सबसे पहले कहा। बिल्कुल 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 अनंत आप कैसे याद करेंगे आप अपने गुरु को? जी, पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुओं के घर में ही पैदा हुआ, बिल्कुल जो कि उनके एक्सपीरियंस से उल्टा है। उनको ढूंढना पड़ा अपना गुरु, फिर गुरु ने उनको अपनाया, फिर उन्होंने हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरुओं ने शुरुआत से ही मेरी ट्रेनिंग मुझे पता चलने के पहले ही चालू कर दी। और वो सिर्फ फिजिकली रियाज करने का ट्रेनिंग नहीं देते, तो अच्छी बात यह है कि जैसा कि वो बता रहे हैं कि बड़े गुस्से थे छोटे उस्ताद, जैसे आपके अंदर किससे भी सुने हैं, हमारा ठीक उल्टा उसका तालीम हुई है कि कभी रियाज करने का नहीं बोला, ना कभी
गाना गाओ या तुम्हें ध्रुपद करना चाहिए, ये तक नहीं बोला कि तुम सीखो ध्रुपद। बचपन से जितना माहौल में रहे, प्रोग्राम में जाते रहे, बचपन से ही स्टूडेंट्स रहते थे घर पे ही और आना जाना बना रहता था, तो एक संगीत के माहौल में हर तरह के कलाकार से बचपन से मिलना, चाहे वो थिएटर के हो, चाहे वो ख्याल के हो, चाहे वो नाट्य संगीत हो, कोई सा भी संगीत हो, कलाकार का आना जाना बना रहता था, तो उस माहौल में हमें काफी कुछ अपने आप सीखते गए बिना जाने। फिर कुछ समय के बाद जब मुझे खुद को लगा कि ये चीज मेरे लिए, मेरा इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, फिर मैंने आगे लिया, फिर उन्होंने अपने आप एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग तालीम चालू करी और फिर उसका सिलसिला ऐसा चालू हुआ। और एक बात जो सिमिलर है वो ये है कि हमारे यहाँ किस्से कहानियां और मेमोरीज बहुत सारी पास ऑन होती हैं, तो उन्होंने देखा हुआ था कि हम जब सीख रहे थे तो हमने क्या क्या कठिनाई झेली थी या हमने कहाँ कहाँ पे वो स्ट्रगल करके वो बात समझ में आई, तो वो जो छोटी सी बात उनको सबक बाद में जाके खुला, उन्होंने वो वापस से उतने बड़े को और समा के हमें छोटा सवाल दिया कि ये इस बात को समझिए। तो वो जो जनरेशन जनरेशन पास ऑन होते होते कहानी किस्सों के द्वारा, चीजों के द्वारा, संगीत के द्वारा, अलग अलग तरीकों से जो ट्रेनिंग और दिमाग का विकास करा है गुरुजी ने, दोनों गुरुओं ने, तीनों गुरुजी ने मेरा, वो काफी अद्भुत है, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्या हो रहा है, मगर वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जैसा आप उसके अंदर रह रहे हो और अपने आप धीरे धीरे आप समझते जा रहे चीजों को, आपका परसेप्शन इम्प्रूव होता जा रहा है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो कि गुरु शिष्य की बात हम बहुत विस्तार से कर रहे हैं, एक अच्छे शिष्य में आपके हिसाब से क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा शिष्य आप किसको मानते हैं? एक अच्छे शिष्य में दो तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो गुरु के प्रति समर्पण और रियाजी। शिष्य जो है वो, मतलब मैं संगीत की दृष्टि से बोल रहा हूं कि डेडिकेटेड होना चाहिए संगीत के प्रति, गुरु के प्रति, और रियाजी होना चाहिए उसको। जब डेडिकेशन में रियाज अपने आप एक तरीके से इंक्लूडेड है, वो कि अगर वो डेडिकेटेड है तो रियाज तो करेगा ही, तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा अगर रियाजी है तो एक गुरु को भी उसको सिखाने में एक आनंद आता है। अगर कोई अच्छा शागिर्द मिले तो गुरु के लिए भी वो एक, मैं कहता हूं, भगवान की तरफ से सौगात है। और अच्छे गुरु और अच्छे चेले का संयोग भी एक दुर्लभ संयोग है, और ये ऊपर से ही, जैसे शादियों के लिए कहा जाता है कि शादियों के जोड़े ऊपर से भगवान बनाता है, मैं गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी कहूंगा कि अच्छे शिष्य और अच्छे गुरु का भी जो जोड़ा है वो भगवान ऊपर से बना के भेजता है। और ये डेडिकेशन जो है, ये उस शागिर्द में अगर है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्ज्वल है, और यही जो बात है ये उसको आगे बढ़ाती है। पंडित जी, अब इंटरव्यू में और आगे बढ़े उससे पहले विनम्रता से गुजारिश करूंगा कि कुछ हमें सुनाइए भी, थोड़ा संगीत भी हो इस इंटरव्यू के दौरान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना बिना संगीत के क्या सूखा सूखा इंटरव्यू जी। तो देखिए, हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने पुरानी जो हमारे मध्ययुगीन जो कवि हैं पुराने, उनकी कविताओं को हमने गाया है। तो कबीरदास जी का एक पद झीनी झीनी चदरिया, जो ध्रुपद स्टाइल में हम लोगों ने कंपोज किया है राग चारुकेशी में और ताल सूल ताल में, वो हम आपको सुनाते हैं। Thank you.
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।